जय श्री कृष्ण दर्शकों, कलयुग के पांच कड़वा सत्य, कलयुग ना पांच कड़वा सत्यों, फाइव बिटर ट्रथ्स ऑफ कलयुग। नमस्कार दोस्तों, महाभारत हिंदू का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इस पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक और टेक्निक आदि समस्त विषयों का ज्ञान का वर्णन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम महाभारत का एक ऐसा प्रसंग के बारे में बताएंगे जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांच पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाली कलयुग की चलिए गति क्या और कैसी होगी। सृष्टि के चार युगों का महत्व। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार इस सृष्टि में चार युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तीन युग अभी तक बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। हरेक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर मानव जाति का कल्याण करते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह, वराह और वामन के रूप में, और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक के समस्त पापियों एवं असुरों का विनाश करने करके पुनः धर्म की स्थापना करके मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिए थे। हरेक युग में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कलयुग के अंत में भी भगवान का अवतरित होने का पुराणों में वर्णन मिलता है, लेकिन इससे पहले पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में कलयुग के बारे में जान लेते हैं कि कलयुग को कैसा युग कहा गया है, तो चलिए जानते हैं। कलयुग की जानकारी। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन उसके मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा, तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है। वो हमारे मन में आने वाला कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है, तो हम सब पे कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाइयों वन में जाओ और वन में जो कुछ भी देखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए कृपा वीडियो को अंत तक देखें। स्वागत है आप सभी दर्शकों का वाणी व्रत चैनल में, स्वागत है। पांडवों का दिशा भ्रमण। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकले और वन में जो कुछ भी दिखे उसकी जानकारी लेने के लिए निकल पड़े। युधिष्ठिर का दिशा भ्रमण। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे तो उसने देखा कि दो सूंड वाला हाथी, तो उसने अपने मन में सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन का दिशा भ्रमण। उसके बाद अर्जुन ने जिस दिशा में भ्रमण करने गया था तो उसने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट था और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन दंग रह गया और यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया।
भीम का दिशा भ्रमण। भीम जिस दिशा में गया था तो उसने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। यह देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गया। सहदेव का दिशा भ्रमण। सहदेव जिस दिशा में गया था तो उसने भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचा तो उसने उस गांव में बहुत सा कुआं देखा जिसमें सभी कुआं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था और बीच का कुआं काफ़ी गहरा होते हुए भी फिर भी पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल का दिशा भ्रमण। नकुल जिस दिशा में गया था तो वह उस दिशा में एक जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान तेजी से सभी पेड़ पौधे रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रहा है। विशालकाय वृक्ष भी उससे रोक ना सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई फिर भी वह उसे रोक नहीं सके और वह चट्टान आते आते अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। वो देखकर नकुल भी हैरान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वा सत्य बताए। 5 भाई वन में जाकर लौटने के बाद एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोग का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसा ही लोगों का कलयुग में राज होगा। ऐसे व्यक्ति को हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक है। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे। उसे सब चीज़ों का ज्ञान होगा, लेकिन उनका आचरण दुष्टों का होगा। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे, और हम उस पर पद पर चढ़ जाए चाहे कितनी भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों को ही बहुतायत होगी। 3 नंबर पे भीम ने अपना बयान दिया। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लोई लुआण हो गया। तब ये बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपना विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगी। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे को साधु बना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उससे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अनामत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अनामत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अनामत है, इसलिए तुम्हारा अपना वास्तव संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा
मैंने यह देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह के उत्सव में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपया खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेगा कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे, और दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षक सुंदरता और जश्न में पैसा उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोतने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएंगे। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। नकुल ने श्री कृष्ण को बताया। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखा। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वो कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए वो आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सकी। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और कलयुग में इंसानों की बुद्धि छीन हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा, और ये पतन इतनी तेजी से होगा कि धन या सत्ता की वृक्ष इससे रोकने सक्षम नहीं हो पाएंगे, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेना या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य के निर्णय लेने में उससे सहायता होगी और वो अपने जीवन को लक्ष्य को पा सकेगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एक ही मात्र उपाय है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, कलयुग के 5 कड़वा सत्य की इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात सूरत से श्री मुकेश भेटाक ने प्रश्न पूछा है कि कलयुग की देवी कौन है। उसका जवाब है, कलयुग की माता के रूप में देवी काली को जाना जाता है। देवी काली हिंदू धर्म में एक महाशक्ति का प्रतीक है, जो समय ताकत नष्ट करने और रक्षा करने की देवी है। सिंगापुर से मिस माबेल ने एक प्रश्न पूछा है कि कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसका जवाब है, भोले भंडारी को सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता माना गया है। ऑस्ट्रेलिया से मिस्टर विलियम ने एक प्रश्न पूछा है कि महाभारत में सबसे बड़ी गलती किसने और क्यों की। उसका जवाब है, गलतियां तो बहुत से लोगों ने की, लेकिन सबसे बड़ी गलती द्रौपदी से हुई। उन्होंने दुर्योधन का प्रयास यह कहकर उड़ाया कि अंधे का पुत्र अंधा। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, तब उन्होंने दुर्योधन और अन्य कौरवों को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी कलयुग के 5 कड़वा सत्य की कहानी का रहस्य की इस घटना। अगर हमारी यह घटना यानी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।